हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 2018 का सी टैट का साइकोलॉजी का पार्ट जो है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो इसका आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग, विविध सोच। सेकेंड क्वेश्चन है, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फोनोलॉजिकल, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 3, द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषा निर्धारित। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द माल फंक्शन बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस विद द सिम्टम्स। ही यूजेस अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कलन विधि का एल्गोरिथम्स। After that, our fifth question is, Divya often divides the assigned job into small tasks which she can handle easily. She is using, Divya अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, वह उपयोग करती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रिडक्शनिज्म, कम करने की विधि का। After that, next question, जो कि हमारे पास है 6th question, तो सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्युमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागॉजी, तो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समता एवं समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 10, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनैक्टेड इन द ईयर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। तो वैसे तो ये 1995 में है, बट इसको मॉडिफाई कर दिया गया था 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2016। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ट्रेन टू यूज़ डिफरेंट पेडागॉजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट ऑफ एजुकेशन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए था ये? 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 years to 14 years। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। इसका आंसर है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जांपल प्लानिंग,
रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। सो जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर निर्हित हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेटाकॉग्निशन, संज्ञान बोध। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, प्रतिक्रियावादी सोच। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जनरलाइजेशन आएगा, इसका आंसर सामान्यकरण। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जंजोक बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंडिपेंडेंट, जंजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोंस्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंसेस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न्ड टास्क, ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडलिंग, प्रतिरूपण। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू मन एंड जेनिस डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेटिव्स एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स। मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। इसका आंसर हो जाएगा सतर्क, विजिलेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, इन डैश थिंकिंग अ चिल्ड्रन हैज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेलुएट्स द ट्रुथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इसका आंसर हो जाएगा तार्किक, ऑप्शन नंबर 3, लॉजिकल। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल इंजॉइंग देमसेल्व इज नोन एज, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा समस्यात्मक प्रकार का कार्य, प्रॉब्लम टाइप टास्क। उसके बाद है 23rd क्वेश्चन, मल्टीसेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल एंड डैश सेंसेस टू एनहांस लर्निंग, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कैनेस्थेटिक, गतिबोधक। उसके बाद है 24th क्वेश्चन, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, मध्य बाह्य विकास की सिद्धांतों को। क्वेश्चन नंबर 25th, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर डैश, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है हमारी दी जाती है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसका हो जाएगा ग्रुप आइडेंटिटी का, समूह की पहचान का।
Next question 27. The concept of object permanence is attained during Piaget's dash stage of development. किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है अपनी सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरमेंट के बारे में जानता है. तो जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 to 18 months. सबसे फर्स्ट स्टेज ये होती है पियाजे की थ्योरी में. पियाजे की थ्योरी जो होती है 4 stages वाली होती है, लेकिन ये जो है सबसे फर्स्ट स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ. व्यक्तिगत शिक्षा कार्य की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है. इसका ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29. बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग. डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 18 से 24 months ऑफ एज, 18 से 24 महीनों की आयु के बीच. लास्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय. बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो IQ का कंसेप्ट दिया गया था वो तो स्टर्न के द्वारा दिया गया था, बट जो डेवलप किया गया था, इसको मॉडिफाई किया गया था, वो बिने के द्वारा किया गया था. तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा. तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेगा. थैंक यू, गुड बाय.